कुश्ती पिछले 18-15-16 महीने जो डिस्टर्ब रही उसकी वजह से इतना मेडल नहीं आ पाया। वो किसी का व्यक्तिगत मेडल नहीं है, वो तो भारत देश का मेडल है। जब भी कभी भी गिना जाता है कि ओलंपिक में भारत कितना मेडल पाया, खिलाड़ी की ये जिम्मेदारी है कि जिस वजन में वो खेल रहा उस वजन में अपना वेट वो कांस्टेंट रखे। जो डॉक्टर मांगा वो डॉक्टर उनको दिया गया, जो फैसिलिटी उन्होंने मांगी, उन्होंने कहा कि मैं हंगरी में ट्रेनिंग करूंगी, वहां हंगरी उनको भेजा गया। भारत देश की जनता को, 140 करोड़ जनता को कुश्ती संघ की तरफ से बधाई देता हूं कि पिछले 4 ओलंपिक से लगातार जो क्रम बना हुआ था मेडल लाने का, इस बार भी वह मेडल आया। परंतु हमारे मेडल और भी ज्यादा आ सकते थे। जो 6 मेडल भारत देश को आए हैं, वो 6 मेडल अकेले कुश्ती ला सकता था। लेकिन कुश्ती पिछले 18-15-16 महीने जो डिस्टर्ब रही उसकी वजह से इतना मेडल नहीं आ पाया। दिनेश फोगाट मामले में, सिल्वर मेडल मामले में फैसला आना था कल, जो कि अब टल गया है, तो आप लोग किस तरीके से? उसमें होपफुल रहिए, फैसला अपने पक्ष में ही आएगा। तो कुछ कारण से उन्होंने डेट बढ़ा दिया, कारण क्या दिया नहीं, किस कारण से बढ़ाया है ये नहीं बताया, लेकिन लगातार फिर डेट 16 तारीख का कर दिया है। सर, भारतीय कुश्ती संघ इस मामले में क्या सोचता है, जो सिल्वर मेडल को लेकर एक ट्रोलिंग और एक इश्यूज जो है उसको लेकर भारतीय कुश्ती संघ क्या चाहता है या क्या नहीं? भारतीय कुश्ती संघ तो चाहता है कि वो किसी का व्यक्तिगत मेडल नहीं है, वो तो भारत देश का मेडल है। जब भी कभी भी गिना जाता है कि ओलंपिक में भारत कितना मेडल पाया, तो भारतीय कुश्ती संघ भी चाह रहा है कि वो मेडल मिले। बाकी जो कंट्रोवर्सी हुई उसमें भारतीय कुश्ती संघ नहीं जाना चाहता है। 53 किलो विनेश फोगाट को 53 किलो में खेलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने खेला 50 में, इसको लेकर भी बहुत सारी बातें। खेलना किस वजन में खिलाड़ी खेलेगा यह उसका स्वतंत्र का निर्णय होता है, लेकिन निर्णय लेने से केवल नहीं होता है, खिलाड़ी की ये जिम्मेदारी है कि जिस वजन में वो खेल रहा उस वजन में अपना वेट वो कांस्टेंट रखे। बार बार वजन घटाना खिलाड़ी के शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नुकसान करता है, वजन घटाने से उसके लीवर किडनी सब पे असर पड़ता है। तो वो खिलाड़ी का निर्णय है, लेकिन उसी वजन में हर खिलाड़ी को खेलना चाहिए, किसी भी गेम का हो जिसमें वो अपना वजन हमेशा कांस्टेंट रख सके। किलो 50, 100, 200 इतना का अंतर है तो कोई फर्क नहीं, लेकिन अपने वजन में ही खेलना चाहिए। सबसे यही कहना चाहेंगे कि कुश्ती खेल को खेल रहने दें, राजनीति को राजनीति करें। जो उनको राजनीति करना है वो राजनीति करें। मैं शुरू से कह रहा था कि राजनीति और कुश्ती दोनों अलग अलग होना चाहिए। तो फिर मेरा यही संदेश है कि खेल को खेल की तरह रहने दें, राजनीति जिसको करना वो अपनी राजनीति करे। खेल को अगर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, भारतीय कुश्ती संघ पे वो भी स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तो मेडल की संख्या बढ़ेगी।